इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 16 नवंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की कद्दावर सियासी शख्सियत में शुमार किया जाता है। उन्हें एक मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है। आज के दिन 1988 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जीत के बाद वे प्रधानमंत्री चुनी गई थी। देश दुनिया के इतिहास में 16 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म आज ही के दिन 1846 में हुआ था। आज ही के दिन 1849 में विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की को एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। पासी जाति से संबंधित प्रसिद्ध वीरांगना उदा देवी का निधन आज ही के दिन 1857 में हुआ था। कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक शंभू महाराज का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। आज ही के दिन 1914 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन आज ही के दिन 1915 में हुआ था। आज ही के दिन 1916 में रूस के ला सतान्या स्थित कारखाने में विस्फोट से 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 1933 में आज ही के दिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। लंबी दूरी के प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। आज ही के दिन 1945 में विश्व भर की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करने वाले यूनेस्को का गठन हुआ था। 1947 में आज ही के दिन टोक्यो के सैतामा में आए चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। आज ही के दिन 1973 में स्काई लैब 4 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ केप केनवरा से 84 दिन के अभियान पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1982 में आज ही के दिन अमेरिका का 5वां अंतरिक्षयान कोलंबिया 5 एडवर्ड सैन अड्डे पर उतरा था। आज ही के दिन 1988 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। 1995 में आज ही के दिन भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एवं टोबैको के प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन 2002 में परवेज मुशर्रफ ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 2007 में आज ही के दिन बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान सीडर ने बांग्लादेश में भीषण तबाही मचाई थी। आज ही के दिन 2008 में चंद्रयान के लूनर लेजर रेजिंग उपकरण ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।